bene. Quadrato giri forte. I giri forte. अररिया के रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की आज सुबह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सुबह सुबह उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देकर बाहर बुलाया। जैसे ही वह घर का दरवाज़ा खोले, बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे स्थित घर की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने कहा कि घटना की सूचना पर डॉग स्क्वाड और FSL की टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंचे अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में ना तो पुलिस कर्मी सुरक्षित है और ना ही पत्रकार। अपराधी नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। सीधा खुल जाते आज सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर वो निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तक्षण उनके शव को हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में लाए हुए हैं। घटनास्थल पे FSL डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी SDPO इंस्पेक्टर स्कैम कर रहे हैं। अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, घटनास्थल पर से जिंदा गोली भी बरामद हुई है? एक खोखा मिला है। एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है और एक खोखा भी बरामद है।
और हम लोग बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। अपराधियों का पहचान हो पाया है क्या परिवार? हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। उनको लगातार धमकी दी जा रही थी पिछले 3 साल से, पुलिस को उन्होंने सूचना भी दिया था। हर एक विषय हर एक पहलू पे जांच करेंगे। बंद अपराधियों को धमकी देने की बात सामने आ रही है, हर एक बिंदु पे जांच करेंगे। अनुसंधान में सभी बिंदु को हम लोग लेंगे और बहुत जल्द से जल्द सही अपराधी तक पहुंचेंगे हम और इनको न्याय मिलेगा। परिजन सब डरे हुए हैं, उन लोग कहना कि हम केस नहीं करेंगे, केस करेंगे हमको भी फिर मार दिया जाएगा। यदि परिजन आवेदन नहीं थे तो फिर कार्रवाई क्या होगी? पूरी प्रशासन उस परिवार के साथ है, हर कदम पे उनके साथ रहेगी, उनको भय में होने की जरूरत नहीं, उनके साथ हम लोग हैं। देखिए पूरे बिहार में रोज हत्या, मर्डर, अपहरण, चोरी, डकैती तो हो ही रहा है, लेकिन अररिया जिला में लगातार आज से 2 दिन पहले समस्तीपुर में जो दरोगा तैनात था, हमारे अररिया जिला का सपूत, वह ड्यूटी पर तैनात अपराधी को पकड़ने गया और उस पर गोली चलती है और अररिया का सपूत ड्यूटी करते हुए उसको अपराधियों ने मार करके मौत का घाट उतारता है। परसों रानीगंज में गोली चली है, एक व्यवसायी को गोली मारा है और आज सवेरे हम लोग सोए थे 5 बजे सुबह में ही लोगों ने कहा कि पत्रकार को गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो यह घटना रोज चल रहा है सिलसिलेवार से और शासन प्रशासन और बिहार के मुखिया चाचा भतीजे की सरकार जो अपने आप को कहता है कि हम सुशासन बाबू हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि सुशासन बाबू कब तक तुम चुप रहोगे? तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर तुमसे बिहार नहीं चलता है, तुम्हारा प्रशासन फेल है, तो तुम्हें नैतिक जिम्मेवारी लेकर के बिहार की जनता से माफी मांग। SP सारे लोग ऊपर से लेकर नीचा तक सब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सभी लोग भ्रष्ट हैं और लोग सुरक्षित नहीं है। भगवान के भरोसे यह जिला चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार होता है, पत्रकार सुरक्षित नहीं और सारे आम सुबह में उठा के उन पर गोली चलती है और मौत का घाट उतार देता है। दरोगा ड्यूटी पर दरोगा जा रहे हैं समस्तीपुर में, उसको अपराधी को पकड़ने के लिए उनको गोली मारी जाती है। व्यवसायी को रानीगंज बाजार में, दुख तो तब है कि परसों रानीगंज में गोली चलती है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है। अगर वह तंत्र अगर कड़ा होता, पुलिस सशक्त होती, तो आज पत्रकार पर हिम्मत करता तो एक दिन के बाद मारने का? इसलिए इन लोगों का नैतिकता खत्म हो गया है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जवाबी नहीं है, सरकार फेल है और जनता को खुद अपना सुरक्षा करना पड़ेगा। और आम जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, ये जंगल राज को बर्खास्त करिए, नहीं तो बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ने वाला है और रोज हो रहा है। इसलिए नीतीश जी आप जवाब दो, नहीं तो ये बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी तो तुमको गद्दाफी बन गए हो तुम। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।